हेलो। तो आज का क्वेश्चन है व्हाई एरिल हैलाइड और हैलोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव और अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अल्काइलाइड है, इथाइल क्लोराइड है। इसका जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो देर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इथाइल साइनाइड जो है प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यही रिएक्शन जब हम लोग हैलोबेंजीन या एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो देर इज नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज जो क्लोरोबेंजीन है उसका केसियन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, अनरिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों, हम लोग इसके रीजन को देखते हैं। तो हैलोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लिस्ट रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है। इसके तीन प्रोमिनेंट रीजन हैं, जिसमें पहला कि ये जो बेंजीन रिंग है दैट हैव एस्टेरिक हिंड्रेंस टू कमिंग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये SN2 पाथवे में नहीं जाता है। हम लोग देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि बेंजीन का जो ये पार्ट है दिस इज नॉन पोलर पार्ट, और नॉन पोलर पार्ट होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफ़िकल्ट होता है। एस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है कि डिफ़िकल्ट होता है, और न्यूक्लियोफाइल इस रीजन से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इस साइड से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉन पोलर रीजन है, देर जो है रिपल्सन, या फिर कह सकते हैं देर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव और बिलो द प्लेन, दैट्स वाई देर ये डिफिकल्ट टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हैंस इट कैनॉट गो थ्रू SN2 पाथवे, ये SN2 पाथवे से नहीं जा सकता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन है कि हैलोबेंजीन का जो कार्बोकेटायन है PHX है, इसका जो कार्बोकेटायन है PH+, जो हैलोबेंजीन है इसका जो कार्बोकेटायन है फिनाइल कार्बोकेटायन, चूँकि ये लीस्ट स्टेबल होता है दैट्स वाई इट कैनॉट गो थ्रू SN1 पाथवे, इसलिए ये SN1 पाथवे के थ्रू नहीं जा सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, दैट इज डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, हैंस ना SN1 पाथवे को फेवर करता है ना SN2 पाथवे को फेवर करता है। यानी कार्बन जो हैलोजन बॉन्ड जो होता है दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और ड्यू टू रेजोनेंस ये कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है दिस इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड। तो SN1 और SN2 दोनों पाथवे के लिए इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, दैट्स वाई हैलोबेंजीन या एरिल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव और अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं कि बेंजीन का जो बल्की नॉन पोलर रीजन है दैट हैव हिंड्रेंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसलिए SN2 पाथवे को नहीं जाता है। जो सेकंड है
कि हेलोएरीन का जो कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसलिए ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर सकता है, हेंस कैनॉट फॉलो एसएन वन पाथवे। और थर्ड जो रीजन है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक इन एसएन वन एज वेल एज इन एसएन टू पाथवे। तो दीज आर द मेजर रीजन फॉर लिस्ट रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।